चलिए, तो पिछले क्लास में हमने बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चंस पे सॉल्व किए थे। तो सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, सूत्र लिखिए सभी बच्चे। ठीक है, चैट सेक्शन में ही लिखेंगे, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखिए सभी। टोटल वेरी गुड। बाकी बच्चे भी टाइप कीजिए। नो बेटा, एल इंटू बी इंटू एच तो मैंने अभी तक करवाया भी नहीं। ये जितेंद्र कुमार के नाम से जो है बेटा, आपको पता है ना कि क्या है फॉर्मूला? नहीं पता तो आप ये रॉन्ग आंसर टाइप क्यों कर रहे हैं बार बार? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। वेरी गुड, 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना? एक बार सभी बच्चे देख लीजिए, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपसे बोला गया है कि एक बेलनाकार खिलौना है, ठीक है, बेलन की शेप में आपका एक टॉय है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ये खिलौना है जिसका आकार बेलन की शेप का है। फिर से बना देती हूँ एक, ये रहा बेलनाकार खिलौना। ठीक है, ऊंचाई इसकी दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, आधार का परिमाप। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको आधार का परिमाप दिया है। ठीक है, त्रिज्या आपको नहीं दी गई है, रेडियस नहीं गिवन है। पूछा क्या है कि ऐसे खिलौने को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, मतलब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना? अब कैसे निकालेंगे, त्रिज्या तो आपके पास है नहीं, त्रिज्या कहाँ से निकलेगी? इसने बोला है कि जो बेस है, आधार है, उसका परिमाप दिया है। अब सभी को पता है कि जो आधार है वो वृत्त की शेप में होता है, सर्कुलर शेप है इसकी, और वृत्त के परिमाप का सूत्र सभी को पता है 2 पाई आर होता है ना? तो यहाँ परिमाप से आप क्या निकाल लेंगे बेटा, त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप का मान आपको दिया गया है जो कि है 20 पाई। ठीक है, त्रिज्या निकलते ही आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में कूद करके आंसर निकाल लेंगे। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। यस। अब एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया पोल सेक्शन में, जो कि गलत है, और जब तक मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन भी नहीं किया आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे तुक्का नहीं लगा रहा है ना आपने, जैसे सॉल्व करके 2 मिनट का टाइम है और पोल सेक्शन में आंसर करिए सभी बच्चे। ठीक है,
गुड, दो बच्चों ने आंसर किया है पर दोनों में से एक बच्चे का आंसर ठीक आ गया। वेरी गुड। माइक जिसका भी ऑन है माइक ऑफ कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। परिमाप से आप क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे और फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में पुट कर देंगे। मेरी मेरी वॉइस आ वॉइस रही है सभी सभी को? को? यस मैम, यस मैम, गुड, यस मैम। ठीक ठीक है है बेटा। बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, स्क्रीन दिख जाएगी अभी। दो मिनट का टाइम देना, अभी स्क्रीन दिख जाएगी आपको। ओके मैम।
कोई भी बच्चे क्लास से लेफ्ट मत होना बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। यस आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, स्क्रीन आ जाएगी अभी। बेटा भी आ जाएगी। बेटा दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस यस मैम। मैम। गुड, चलो यस मैम। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सॉल्व कर लिया इसका। 6 बच्चों ने किया है, जिसमें से 3 बच्चों का ही सही है। तो 6 बच्चों ने किया है इतनी देर से आंसर सॉल्व। जल्दी जल्दी कीजिए आंसर सॉल्व। हिंट मैंने आपको दे दिया है। अशोक चौधरी के नाम से जो है बेटा, अपना वीडियो ऑफ करिए आप। क्लास में किस बच्चे है? तो 5 बच्चे ने कौन सा चिन्ह आंसर किया है? चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, मैं तो सॉल्व करवाती हूँ सर। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे बाकी बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है। जल्दी से
चलो आपसे बोला है कि ऊंचाई कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर दे रखी है ना, और त्रिज्या आपको नहीं दी है, लेकिन आपको परिमाप जरूर दे रखा है आधार का, और आधार आपको पता है वृत्त के शेप में होता है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2πr। परिमाप कितना दिया है, 20π दिया है ना, तो क्या मैं 20π को 2πr के बराबर लिख सकती हूँ? बिल्कुल, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 20 बराबर 2r, आर किसके बराबर आएगा, 20/2, 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा रेडियस। क्लियर है, त्रिज्या आ गई मेरी। अब अगला स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं करना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वैल्यूज पुट कर दो अपने, आर प्लस एच। मैं अभी पाई का मान इसलिए पुट नहीं कर रही क्योंकि आंसर मुझे पाई में भी आंसर दिख रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से एक ऑप्शन हो। त्रिज्या की जगह 10 पुट कर देंगे, 10 प्लस 25, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 20π, 10 और 25 कितने होंगे, 35। 35 को जब आप 20 से गुणा करोगे आएगा 700π वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझे देखना है क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर है क्योंकि उसमें 700π आ रहा है। क्लियर है सभी को, यस मैम, 705 का आंसर होगा। तो ज्यादातर बच्चों ने डी ऑप्शन पर लगाया था, तो डी नहीं है बेटा इसका आंसर। माइक किसी का ऑन है, माइक ऑफ करिए, मनोज कुमार के नाम से जय, बेटा माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना है इसी टाइप का, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। कर लिया मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया। गुड, चलो एक बार ऊंचाई दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिमाप आपको दे रखा है आधार का 30π सेंटीमीटर, आप निकालिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और चैट सेक्शन में आंसर करिएगा इसका। सेम उसी तरीके से बस वैल्यूज चेंज कर दिए मैंने, ठीक है।
बेटा यस ठीक मैम बोलो। बोल दूं? नहीं, आंसर ही अपनी आंसर आप चैट सेक्शन में लिख दो ना। एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए। गुड। गुड। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से करिए। हाँ कोई बात नहीं, पाई नहीं आ रहा तो पाई का स्पेलिंग लिख दो बस। ठीक है चलिए, वेरी गुड। चलो सॉल्व करें। तो आपने क्या किया होगा, परिमाप के सूत्र में बराबर 30 पाई को लिख दिया होगा ताकि मैं वहां से त्रिज्या निकालूं। पाई से पाई काट दिया होगा, आर यहाँ से आएगा, 30/2 15 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई होगी। त्रिज्या के बाद आपने क्या किया होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में पुट कर दी होगी वैल्यू पहले की तरह, 2πr r + h। 2π, आर कितना है बेटा, 15, 15 + 40 ठीक है, 15 × 30π गुणा 40 और 15 कितने हो जाएंगे, 65 ठीक है। 65 को जब आप 30 से गुणा करेंगे 1650π वर्ग सेंटीमीटर आएगा ठीक है, 1650π वर्ग सेंटीमीटर। मैम ये गलत है, मैं क्या गलत है बेटा, पैंसठ मल्टीप्लिकेशन गुना गलत है। तीस है। यस मैम 65 गुना 30 है। 65 × 30, यस वेरी गुड। हाँ एडिशन में गड़बड़ है, 1950 आएगा। मैंने मैम यहाँ 65 की जगह 55 लिखा था और मेरा भी आंसर यही था मैम, फिर वन ओके सिक्स ओके फाइव ओके जीरो ओके ठीक है। हाँ 1950 आएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड ठीक है, क्योंकि 40 और 15 आपके 55 नहीं 65 होते हैं ना, सॉरी 40 और 15। ओके एक ही मिनट बेटा, 40 और 15 तो 55 होंगे ना, 65 लिख दिया ना फिर मैंने। मैम ये आपसे गलती हो गई, आपने 65 लिख दिया। हाँ 55 होगा ना, यस गुड। 55 × 30 होगा 1650 5 सेंटीमीटर ठीक है, एडिशन गलत हो गया था मैंने, 4 और 1 5 होगा। गुड ठीक है, तो सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है आंसर इसका, 1650 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम ठीक यस मैम। है। देखो आपसे बोला गया है कि एक रोलर है ठीक है, एक रोड रोलर है जिसका व्यास आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर ठीक है। मान लीजिए वो रोलर है, व्यास मैम लंबाई ना, यस, जो रोलर आपने सड़क में देखे है ना, जो सड़क बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये वही रोलर है ठीक है। तो इस रोड रोलर की जो लंबाई है, लंबाई मतलब ऊंचाई एक ही बात है, 120 सेंटीमीटर है ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर लंबा है ये रोड रोलर। व्यास आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर, व्यास मतलब ये पूरा आधार का व्यास है 84 सेंटीमीटर।
अब इसको क्या करना है, अब इसको ऐसे इमेजिन करना कि आपका जो रोड रोलर है उसे ना एक एक ग्राउंड है जिसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी फैली हुई है, और उस मिट्टी को आपको बराबर करना है, ठीक है। अब बराबर करने के लिए आपने रोड रोलर का मतलब रोलर का इस्तेमाल करना है। तो आपसे बोला है कि उस रोलर को 500 चक्कर लगते हैं, 500 चक्कर लगते हैं उस मैदान को बिल्कुल बराबर करने में, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जिस मैदान को उसको बराबर करना है उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, जब आपने रोड रोलर चलते हुए देखा होगा तो मुझे बताइए रोड मैम रोलर। एक बार पिछला क्वेश्चन दिखाना जो आपने अभी पिछला सॉल्व करवाया था। बेटा चलो क्लास के ना एंड में दोबारा से दिखा दूंगी, फिलहाल इसे समझ लो, ठीक है। अब इमेजिन करो जब आप कोई रोड रोलर चल रहा होता है तो क्या उसके दोनों आधार उसमें आते हैं या फिर बीच बीच वाले हिस्से से चलता है सिर्फ, अब बताइए। बताइए जब रोलर चलेगा तो क्या उसका आधार का इस्तेमाल होगा ऊपर नीचे या फिर से बीच बीच वाला हिस्सा चलेगा। बीच वाला मैम ना बीच वाला हिस्सा ही चलेगा, उसका आधार का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। तो आपसे बोला है, अब सोचो जो बीच वाला हिस्सा है, मतलब आप मुझे दोनों आधार का इस्तेमाल नहीं करना है ना, बीच वाले हिस्से का। तो बीच वाले हिस्से के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सूत्र चेंज होगा ना, क्योंकि तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो दोनों आधार भी आते हैं, लेकिन जब हम रोलर यूज कर रहे हैं तो जब उसमें दोनों बेस ही नहीं आ रहे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना। तो आपको हटाना पड़ेगा, इसका मतलब सिर्फ बीच वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। और बीच वाला हिस्सा हमारा आयताकार शेप में था जिसका मान था लंबाई गुणा चौड़ाई, और जब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करी थी, क्योंकि लंबाई मेरा परिधि के बराबर था, 2πr लिखा था, चौड़ाई मेरा ऊंचाई के बराबर था, तो सूत्र क्या बन गया, 2πrh बन गया। बीच वाले हिस्से का यही सूत्र बना था जब हमने निकाला था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस मैम याद कीजिए, सभी बच्चों को समझ में आया इतना। यस मैम हाँ, इसका मतलब कि आपको सूत्र क्या लगाना होगा, अब सूत्र लगाना है 2πrh, क्योंकि सब बीच वाला इस्तेमाल हो रहा है, बीच वाला हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। अब इस 2πrh का क्या मतलब है, 2πrh का मतलब है कि एक चक्कर में वो 2πrh चलेगा, चलेगा या नहीं, एक चक्कर जब रोलर लगाएगा तो 2πrh ही तो चलेगा, जब मैं इसे ऐसे रोल करूंगी तो 2πr2 मैम चल रहा है। अब सोचो उसको 500 चक्कर लगाने हैं, तो यदि आप एक चक्कर का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल और उसको 500 से गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा ना मैदान का कुल क्षेत्रफल, आ जाएगा मैम आ जाएगा। सभी को क्लियर है, यस मैम तो मतलब आपको 2πrh का मान निकालना है, वहां से जो क्षेत्रफल आएगा उसको 500 से गुणा कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चे से पोल सेक्शन में आंसर करो जल्दी से। अशोक चौधरी के नाम से बेटा मेरे को लग नहीं रहा कि आप ना नोट्स बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कॉपी दिखाइए जरा, आपने वीडियो ऑन करी है ना अपनी। मैम, इसमें व्यास भी दे रखा है। हाँ, व्यास से आप त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है, व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे। कॉपी दिखाओ बेटा अशोक चौधरी के नाम से जो है, कहाँ लिख रहे हो आप, कॉपी शो करिए अपने। मैंने शायद इस पूरी क्लास के दौरान आपको इतनी बार बोल दिया है कि अपनी वीडियो ऑफ करिए, अब बार बार वीडियो ऑन कर ले रहे हैं अपना। वीडियो ऑन नहीं करना है चाहे कोई भी हो। शिवानी, मुझे क्लास में सिर्फ बैठ के देखने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लास में आए हो, अगर आए हो तो प्रॉपर पढ़ाई करो कॉपी पेन के साथ, तो क्लास नहीं लेनी है तो फिर कोई जरूरत भी नहीं है ना क्लास में बैठने की। क्लास
एंटरटेनमेंट शो नहीं है बेटा, पढ़ाई करनी है प्रॉपरली। कॉपी पेन नोटबुक सभी के पास होना चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन में आंसर में मतलब बोला गया है कि उत्तर आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है, ये भी ध्यान देना, ठीक है? वर्ग मीटर में आंसर निकालना है आपको। ठीक है, दो बच्चों ने आंसर कर दिए, दोनों बच्चों का आंसर ठीक भी है। वेरी गुड, कन्वर्ट जरूर करिएगा वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में। दस बच्चे ने आंसर कर दिया बेटा, लास्ट के 20 सेकेंड्स और हैं, ठीक है? अच्छा चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसका आंसर करवाती हूँ। तो आपको पता है कि आपको सबसे पहले व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? व्यास को, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, व्यास है 84, तो 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा बेटा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आ गई 42 सेंटीमीटर। फिर
आपको मैंने बोला एक चक्कर का निकालना है, तो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, 2 पाई आर एच। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 22·47 × radius है 42, ऊंचाई कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, 7 को 42 से गुणा करा आपने कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, गुणा कर दीजिए सबको, 2 को 22 से करेंगे 44 × 6 × 120। ठीक है, कर दीजिए 44 को 6 से और गुणा 120, ये आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या आया, ये एक चक्कर का आ गया कि वो जो रोलर है उस ग्राउंड के एक चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा। अब कितने चक्कर लग रहे हैं उसको, 500 चक्कर लग रहे हैं पूरा ग्राउंड लेवल करने में, 500 को इससे गुणा कर दो, 31680। ठीक है, गुणा कर दीजिए 500 से, कितना है, 15841234 में 0 आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में साफ गिवन है कि उत्तर मुझे वर्ग मीटर में चाहिए, तो मुझे अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ जा रहे हैं, मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो भाग होगा, किससे भाग होगा, मैम सो 4 0 सो लगेंगे, है ना। 15841234 बट्टे कितने, 4 0, ये वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर, 1584 वर्ग मीटर। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नहीं बेटा, बी ऑप्शन नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी तो हो ही नहीं सकता, बी एंड ए हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे साफ प्रश्न में बोला है कि वर्ग मीटर में निकालना है, बी ऑप्शन में तो वर्ग सेंटीमीटर में है, तो वो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए ना। ठीक है, सभी को समझ में आया, यस मैम, यस मैम। गुड। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जहां भी हम वक्र की बात करते हैं, वक्र का मतलब सभी को पता है, वक्र मतलब वक्र या पार्श्व एक ही बात है। तो वक्र की बात करेंगे तो आपको पता, ऊपर नीचे वाले हिस्से दोनों हट जाते हैं, चाहे कोई भी तरीके की शेप हो, ऊपर नीचे वाले आपको हटा देने। जैसे आप किसी भी बेलन के वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों आधार हट जाएंगे, मतलब दोनों जो वृत्त के शेप थे उनको मुझे नहीं लेना है इस बार सूत्र में। तो कौन सा शेप लेना है, सिर्फ बीच वाला, कौन सा शेप है ये, आयताकार। हाँ इतना क्लियर है, आयताकार ही तो लूंगी, सिर्फ बीच वाला हिस्सा, दोनों हट जाएंगे क्योंकि हम वक्र की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतना, यस मैम, यस मैम, किसे क्लियर नहीं है। बेटा देखो ना, हमने यही तो पढ़ा था कि जब भी हम वक्र की बात करते हैं तो वक्र का मतलब यही होता है कि ऊपर नीचे वाले जो सरफेस होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वो हम हटा देते हैं। घनाभ और घन में भी यही किया था ना, कि छत और जमीन वाला हटा दिया था जब हम वक्र निकाल रहे थे। बेलन में भी यही होगा कि ऊपर नीचे वाला हटा दोगे। ठीक है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका सूत्र भी बना लिया है। वैसे आयताकार का हिस्सा क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, किसके बराबर आया था, 2 पाई आर एच। तो मेरा सूत्र यही हो गया, 2 पाई आर एच किसका सूत्र हो गया, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, 2 पाई आर एच, सभी को समझ में आया 2 पाई आर एच कैसे बना, ये यस मैम, बस ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन के आधार पे समझा दो। ठीक है, इक्वेशन
आधार से पहले समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना बेटा, मैंने इसलिए क्वेश्चन ही दिया क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ना। 2πRH है इसका सूत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आपको रेडियस कुछ भी मान लीजिए, रेडियस मान लीजिए 7 दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू मैम पुट ये तो करिए। इजी है मैम, हाँ तभी मैंने नहीं करवाया, सात को बिल्कुल रखा इजी है है। ठीक है, इसलिए नहीं करवाया मैंने। 7 से 7 कट गया, तीनों को गुणा कर दो, 2 × 22 × 14 ठीक है, अपने इसलिए नहीं दो करवाया मैम क्योंकि आपने दो डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ठीक है। ये वाला कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 50। ये थोड़ा सा अलग है, मैं समझा देती हूँ। इसमें आपसे बोला गया है कि फिर से एक बेलनाकार आकृति है ठीक है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट है आपकी 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा दे रखा है 88। मतलब इस बार आपने जो निकालनी है वो चीज गिवन है, तो आपको व्यास निकालना है। व्यास तभी निकलेगा जब आपकी त्रिज्या निकलेगी, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया है, उसके बराबर क्या लिख दोगे? 2πRH। वहां से आप पहले त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या के बाद आप वो निकालोगे, व्यास निकालोगे। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ बस सॉल्व कीजिए, इजी है ये भी। दो मिनट का समय, सॉल्व कीजिए। मैम 2 मिनट और रुक जाओ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व कर ले। Yes, बेटा आंसर तो किसी का सही नहीं आया 4 में से। मैम देखना, हाँ त्रिज्या तो आपने निकाल ली, लेकिन प्रश्न में आपसे व्यास पूछा है ठीक है, व्यास भी निकालो। काफी बच्चे यही गड़बड़ करेंगे, वो व्यास नहीं निकालेंगे, त्रिज्या पे ही आंसर लगा देंगे। मैम हमारा फिर पोल में गलत हो गया। मैम कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर देना चाहिए ठीक है।
गुड, 10 में से 3 बच्चों को उत्तर ठीक है। अब चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। देखो बेटा, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर। आपको इसका सूत्र पता है, 2πRh होता है। इसको आप 88 के बराबर लिख दोगे। सबका मान पुट कर दीजिए। आपको निकालना है सबसे पहले त्रिज्या, तभी व्यास निकलेगा। ठीक है, ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 कट जाएगा 2 बारी में। 2 × 22 × r × 2 = 88। 2 × 22 × 2 कितने हो जाएंगे, 88 × r = 88। r कितना हो जाएगा, 88/88 कितना आया, एक बारी में जाएगा, तो त्रिज्या आ गई आपकी 1 सेंटीमीटर। पर प्रश्न में आपसे व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, 2r। 2 से त्रिज्या कितनी आई, 1। 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका व्यास। ठीक है, व्यास 2 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आया प्रश्न? मैम यस यस बोलिए। मैम, एक बार पिछली स्क्रीन दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना था। ये वाला, नो मैम। ये वाला, यस मैम, हो गया मैम। गुड। सभी बच्चों को क्लियर है? यस यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो आपसे बोला गया है, यस, एक और क्वेश्चन दूं मैं क्या पिछले टाइप का? चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको छोड़ो। पिछले टाइप का ही एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं इसी तरीके का। ठीक है, चलो लेट्स से। इस बार आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 99 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। आपको फिर से व्यास निकालना है कितना आएगा। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करिएगा। अच्छा ठीक
भैया अरे भैया बताओ कर भैया रहे हो दो आंसर आ रहे हैं। जी 1584 पढ़ के रुक गया, जागना आता। अच्छा ठीक है, चलो मैं करवाती हूँ। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी है सेम। 2 पाई RH बराबर 99, वैल्यूज पुट करेंगे 2 22/7। एच है आपका 21 बराबर 99, 7 से काटा 3 बारी में कटेगा, 2 को 22 से गुणा किया 44 गुणा आर गुणा 3 बराबर 99। आर बराबर, अभी 3 और 44 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके भाग में हो जाएंगे या नहीं, इतना बताइए। यहां तक हुआ सभी का? यस मैम हाँ, जी, मैंने बस कुछ नहीं, ये तो इजी सॉल्व हो जाता ना। 33 बार जाएगा, 33/44, इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 0.75 सेंटीमीटर। डिवाइड ही तो करना था, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे 7 बारी जाता, 5 बारी जाता। ठीक है, त्रिज्या आ गई आपकी 0.75 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दुगना 2 गुणा 0.75, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1.5 सेंटीमीटर। यस मैम। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पॉइंट में थी, डेसिमल में थी, काफी क्वेश्चन लाइक नहीं था। मैंने यहाँ पर भाग नहीं किया था मैम, उस तरफ ले जाकर। हाँ, प्रॉपर आपको क्योंकि कैलकुलेशन